And as the political campaign heats up for 2014 elections, Union Minister Jairam Ramesh has come out all guns blazing against Narendra Modi. Speaking about Modi's credentials, Ramesh has said that Modi has not been given a clean chit in the 2002 riots, and the voters can see through the BJP's communal agenda. सब लोग ऐसे तो नरेंद्र मोदी के माफिक तो नहीं है हम लोग हम लोग देखिए एक बिल्कुल डिग्निटी से हमें काम करना है और हम लोग सत्ता में रहे हैं 10 साल से हमारी सरकार चली है ऐसे भी पहले भी कांग्रेस सत्ता में रही है तो हम जानते हैं कि चुनाव में हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है बोलने का एक तरीका होता है और मैं समझता हूं कि गाली की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं नहीं अभी कर रहे हैं खूनी पंजा कभी खूनी खून की खेती कहा जाता है कभी खून की राजनीति उन्होंने जहर तो फैलाया है बीजेपी की राजनीति क्या है जहर फैलाने की तो राजनीति है बीजेपी की राजनीति आरएसएस की रणनीति खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति है वो हम नहीं कर रहे हैं वो बीजेपी की राजनीति है मोदी को तो क्लीन चिट मिल चुकी है दंगों में तो मैं नहीं समझता हूँ क्लीन चिट ये गलत प्रचार है कि क्लीन चिट मिला है क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुकदमा चलाने के लिए एविडेंस नहीं है पर ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उन्होंने गलत काम नहीं किया उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल माइंडसेट था गलत काम हुए हैं पर जो एविडेंस हमें हमारे सामने लाई गई है दिखाई दी गई है उसके आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता वो प्रोसिक्यूटेबल नहीं है